Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we are discussing the class 12th chapter 1, work, livelihood and career. Okay, this is the chapter of home science. To shuru karte hain. Introduction. Making a career choice has always been a challenging task. Means हमेशा अपने करियर की चॉइस करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है. ऐसी सिचुएशन इन अ सिचुएशन जहाँ पर बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हों और उनमें से आपको एक अपने लिए सूटेबल करियर चूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है. तो इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट यूथ शुड बी एक्सपोज टू डिफरेंट करियर ऑप्शंस. तो इसलिए ज़रूरी है कि जो यूथ है, जो हमारी युवा हैं, उन्हें अलग अलग करियर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए जो कि उनके लिए सूटेबल है. क्या है उनके लिए सूटेबल है? सूटेबल का मीन्स उस काम के लिए उनके पास स्किल्स हैं, उनके पास वो टैलेंट है. ओके, अब हम जानेंगे वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क क्या होता है. ओके, लेट मी चेंज द कलर. या फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड वर्क. कोई भी एक्टिविटी जो की जाए किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसे हम कार्य कहेंगे, वर्क कहेंगे. अगर हम दूसरे शब्दों में देखें, वर्क को डिफाइन किया जाता है एक्टिविटी जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा बनाई गई हो या एस्टेब्लिश की गई हो या फिर एक रिलेशनशिप बनाया गया हो या फिर अपने टैलेंट या स्किल को सोसाइटी के सामने रखा गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? वर्क कार्य. अच्छा, नेक्स्ट हम इसके फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं क्या टाइप ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय पीपल. फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हेल्थ स्टेटस. एक काम को करने के लिए एक इंसान के अंदर कौन कौन सी काबिलियत होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होने चाहिए, उसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसका हेल्थ स्टेटस यानी उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी एज क्या है, वो उस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए काबिल है या नहीं है, अफेक्ट द ग्लोबलाइजेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, उसका फाइनेंशियल रिटर्न क्या होगा, फैमिली बैकग्राउंड क्या है. ठीक बात. अब हम देखेंगे कि एम्स और इम्पोर्टेंस क्या है उस काम को करने की. जनरली वर्क इज डन टू अर्न मनी एंड मीट फैमिली रिक्वायरमेंट्स. जनरली हम देखें जो काम जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? पैसे कमाने के लिए, अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, या फिर ऐशो आराम के लिए, खेलने के लिए, अपने फ्री टाइम को स्पेंड करने के लिए. वर्क इज़ ऑल्सो डन टू डेवलप पर्सनल आइडेंटिटी एंड एनहांस सेल्फ एस्टीम. अपनी खुद की आइडेंटिटी को क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए और अपने महत्व को ऊंचा रखने के लिए क्या है वर्क ये कार्य भी करता है. इसलिए भी काम करना ज़रूरी है. वर्क हमारे कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करता है और हमारे फाइनेंशियल गेन और सिक्योरिटी को बढ़ाता है. ओके, वर्क क्या इम्प्रूव करता है? वर्क ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉफिट एंड रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसमें अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनेंगे या उनकी क्वालिटी जो है वो कैसे इम्प्रूव होगी. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम है वो क्या होगा? वो उसे हेल्प करेगा ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, जिससे वो प्रॉफिट गेन कर सके. नेक्स्ट पॉइंट, वर्क एनहांस द जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ.
जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड अराउंड अस. जो काम है वो एक जनरल क्वालिटी क्या होती है इंसान की, कि अपने आसपास के नेचर को भी ठीक रखना, अपने हर कार्य को खुद पूरा करना. तो जो वर्ल्ड में जो एक पर्सन की जनरल क्वालिटी है वो भी उभरती है कार्य से. तो इसीलिए हम कह सकते हैं वर्क इज़ द ऑयल दैट ल्यूब्रिकेट्स द मशीन ऑफ द सोसाइटी. जब काम है वो हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ने में मदद करता है, जैसे कि ऑयल जो है मशीन की करता है. ठीक बात. अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ वर्क, वर्क क्या है. वर्क क्या है, वर्क में भी व्यूड एज कैसे अ जॉब एंड अ मीन्स ऑफ मेकिंग अ लिविंग. काम कब किया जा सकता है, जब हमें जीने के लिए उसकी ज़रूरत हो. ठीक है, हम काम को अलग अलग तरीक़ों से देख सकते हैं. जैसे हमें काम करने की ज़रूरत हो क्योंकि हमें जीवन जीना है, या फिर एक ड्यूटी है काम करना जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी है हमारे ज़िंदगी की. मींस अगर हमारे पास काम करने के बाद पैसा होगा तो क्या हम अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं. सिक्योर मींस सिक्योरिटी का मतलब है, जैसे अगर हमारे पास हमें कोई हेल्थ इश्यू है तो वो हम इनकम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. तो काम जो है एक सिक्योरिटी भी है हमारे लाइवलीहुड के लिए. ठीक है, अ मीन्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, खुद के डेवलपमेंट को और अपनी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी जो काम है वो हेल्प करता है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मीनिंगफुल वर्क. मीनिंगफुल वर्क इज़ रिस्पॉन्सिबल वर्क. मीनिंगफुल वर्क कैसा होता है, एक रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है जिसे इंजॉय किया जाता है वर्कर्स के द्वारा और यूज़ किया जाता है सोसाइटी के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा. ठीक है, मीनिंगफुल वर्क ऑल्सो हेल्प टू डिवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी. हमारी पहचान को भापने के लिए, मानने के लिए कि हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जो मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल किसी के लिए हेल्प करता हो, जिससे हम खुद इंजॉय करते हों. ठीक है, द वर्क एनवायरनमेंट शुड स्टिमुलेट ऑफ पॉजिटिव पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड लीड टू अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा. वर्क एनवायरनमेंट कैसा एनवायरनमेंट होता है जो हमारे प्रोफेशन के लिए या फिर जो हम काम करते हैं उसके लिए एक पॉजिटिव भावना रखें. आपस में जो है वो क्या मींस एम्प्लॉयज़ या फैमिली मेम्बर्स में क्या करें, पॉजिटिव माहौल बनाएं. ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, वर्क एनवायरनमेंट. अगर कोई काम अच्छा करेगा तो उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगी, अचीवमेंट मिलेंगी. किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी जॉब को चूज़ करने के लिए, ऑक्यूपेशन को चूज़ करने के लिए हमारे मन में बहुत सवाल है, सवाल होने चाहिए. क्या वो ऑक्यूपेशन मेरे लिए यूज़फुल है. इज़ द ऑक्यूपेशन लाइकली टू गिव मी अ सेंस ऑफ बीइंग यूज़फुल. नेक्स्ट पॉइंट, क्या जो काम है वो चैलेंजिंग होगा. क्या व्हाट आर माय स्पेशल टैलेंट्स, मेरे जो स्पेशल टैलेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मेरा किस काम के लिए इंटरेस्ट है. ओके, क्या जो काम मैं करूँगा, जो जो मुझे मिलेगी वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगी, मीन सोसाइटी को कुछ प्रदान करेगी, कुछ हेल्प करेगी, या फिर जो एनवायरनमेंट है वो मेरे लिए सुटेबल होगा. ठीक है, जो वर्क प्लेस है, जो जॉब की जगह है, क्या वो मेरे लिए सुटेबल रहेगी. तो ये सारे सवाल कब उठते हैं, जब हम किसी भी ऑक्यूपेशन को चूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जॉब और कैरियर के डिफरेंस. पहली बात हम देखेंगे जॉब
की डेफिनेशन देन कैरियर की डेफिनेशन. जॉब मीन्स वर्क डन इज अर्न टू लिवलीहुड इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ सेल्फ एंड फैमिली इज कन्वेंशली नोन एज अ जॉब. कोई भी कार्य किया जा रहा है कब, जब हमें अपनी बेसिक नीड्स और हमारी फैमिली की बेसिक नीड्स को जीने के लिए पूरा करना हो, उसे हम जॉब कहेंगे. कैरियर हम किसे कहेंगे? मेरा कोई पैशन है, मैं उसको बढ़ाना चाहती हूँ या अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ किसी फील्ड में. मींस अगर किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है, वो अपने पैशन, रिसर्च के पैशन को क्या कर पा रहा है, दिखा पा रहा है, उसको ग्रो कर पा रहा है या उसको डेवलप कर पा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैरियर कहेंगे. ओके, अब हम डिफरेंस देखेंगे. हाँ जी, जॉब रेफर टू, हाँ मैंने ये इसका क्या बता दिया, ये मीनिंग मैं आपको डिफाइन कर दिया है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ एन इन्वॉल्वमेंट इन वर्क फॉर द शेक ऑफ इट. क्या इन्वॉल्व होना काम में, किसके लिए? अपने लिए. ठीक है, अपनों के लिए. करियर में क्या बताया मैंने? करियर क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है, मतलब बड़ी टर्म है. किससे? जॉब से, जो कि वर्क करने के लिए रेफर करती है. किस बात पर? जो हमने खुद चूज़ किया. और जो ये नेक्स्ट है, ये मैंने आपको किस में बता दिया, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम आगे बढ़ेंगे. वर्क लाइवलीहुड एंड कैरियर. ठीक है, हम तीनों के मीनिंग्स पढ़ेंगे. सबसे पहले वर्क क्या है? वर्क एक लेबर है, एक टास्क है, एक ड्यूटी है, जो कि अपने आपने जो ऑक्यूपेशन चूज़ किया है, चूज़ करने के बाद उस पर काम करना, उसको मोटिव मींस प्रमोट करना. क्या है एक वर्क? वर्क एक लेबर है, एक ड्यूटी है, जो कि जीने के लिए या फिर अपने प्रोफेशन के लिए या फिर ऑक्यूपेशन जो हमने चूज़ किया है उसको लाइफ वर्क बनाना, लाइफ के लिए मतलब जीवन का कार्य करना, उसे हम वर्क कहेंगे. लाइवलीहुड क्या होगा? लाइवलीहुड रेफर्स करता है कि जो ऑक्यूपेशन एक पर्सन ने चूज़ किया है वो उसको सपोर्ट करता है, जो वो ऑक्यूपेशन है वो उसको सपोर्ट करता है. किस लिए? जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाता है, अपने लाइफस्टाइल को जी पाता है, तो उसे हम लाइवलीहुड कहेंगे. लाइवलीहुड वो जो एक पर्सन के द्वारा ऑक्यूपेशन चूज़ किया गया है और वो ऑक्यूपेशन उसे उसकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करता है, उसको लाइफस्टाइल देता है. करियर, करियर क्या है? मैंने आपको बताया ये एक ब्रॉडर टर्म है. ये क्या करता है? अपने पैशन को ग्रो करता है इन पब्लिक, प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ. ये एक प्रोग्रेसिव टर्म है. ओके, अब हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव एंड कॉनोटेशंस. किसके? वर्क के. वर्क के पर्सपेक्टिव एंड कॉनोटेशंस. फर्स्ट पॉइंट, वर्क को हम कैसे देख सकते हैं? वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड. वर्क जो है जॉब की तरीके से हम देखते हैं या लाइवलीहुड की तरीके से देखते हैं, वो क्या करता है? वो सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है. क्या करता है? फैमिली को सपोर्ट करता है. वर्क को अगर हम करियर के रूप में देखें तो वो एक प्रोफेशनल प्रोग्रेस के रूप में आगे आता है. ठीक है, हायर पोस्ट, पोजीशन, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में आता है. अगर हम वर्क एज अ कॉलिंग को देखें तो द इंडिविजुअल ड्राइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द वर्क इटसेल्फ एंड वर्क्स ऑन इनर ड्राइव्स and feeling that the work drive from an inner or higher direction. Means जो work है वो एक person को satisfy कर पा रहा है कि वो जो काम कर रहा है उस कार्य से वो higher positions पर जा सकता है. Like हम एक example के तौर पर समझें, three men were breaking boulders with strong hammer.
तीन आदमी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक भारी हथौड़े से बोल्डर्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले मैंने आंसर किया कि ये मेरा काम है जिससे मैं अपने जिससे मैं अपना क्या करता हूँ, फैमिली की रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड्स को पूरा करता हूँ। दूसरे पर्सन ने क्या कहा कि दिस इज़ माई लाइवलीहुड, ये मेरा क्या है, लाइफ स्टाइल है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, और मेरी नीड्स को भी ये पूरा करता है। क्या पूरा करता है, स्ट्रॉन्ग हैमर से मतलब स्कल्पचर का काम। थर्ड पर्सन जो है वो क्या कहता है, ये मेरा विज़न है, मतलब उसको वो पसंद है कि वो बिकम अ स्कल्पचर, वो एक स्कल्पचर बने। ओके, ट्रेडिशनल वर्क ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस इंडिया के। इंडिया हैज़ अ वेरी रिच एंशंट एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज एंड अ यूनिक सोशल कोहेंसिवनेस इन स्पाइट ऑफ अवर डाइवर्सिटी। इसके मीन्स इंडिया जो है पुराने समय से ही क्या है, मतलब रिच है, उसका जो कल्चर है वो बहुत ही पुराना और यूनिक है, उसकी जो डाइवर्सिटी है उसके थ्रू। और इसके अंदर जो है वो टोटल कितने ऑक्यूपेशंस हैं, 6। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड फिशिंग, थर्ड हैंडक्राफ्ट, वीविंग, इंडियन कजीन और विजुअल आर्ट। तो हम 6 के 6 को रीड आउट करेंगे, समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। ओके, फर्स्ट एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट, हाँ जी, ये हम ये यहाँ तक ये स्लाइड्स को कंप्लीट करेंगे, 4 स्लाइड्स को। ओके, एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज। ये जो एग्रीकल्चर की जो ऑक्यूपेशन है वो इंडिया के अंदर क्या है, मेन ऑक्यूपेशन मानी जाती है। किस लिए, क्योंकि जो 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज यानी गांव के एरियाज में रहती है, तो इसीलिए ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। कैश क्रॉप्स, इंडिया की जो कैश क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी कैश क्रॉप, जिससे कि इकोनॉमिक जो मतलब इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती हैं, नेशनल इनकम में बढ़ावा होता है। मींस कैश क्रॉप्स कौन सी मानी जाएंगी, टी, कॉफ़ी, कार्डमम, रबर। चाय, कॉफ़ी, इलायची और रबर। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैशनट, कोकोनट मिल्क, जिंजर, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर। इंडिया जो है किसको ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, किसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है एग्रीकल्चर में इंडिया में, कैशनट की, कोकोनट की, मिल्क, जिंजर, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर इन द वर्ल्ड। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स। इंडिया किस में भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी इंडिया नंबर 1 पे है, ठीक है, स्पाइसेस में और कॉन्डिमेंट्स इन टी में। एग्रीकल्चर जो है मेजर सोर्स है किस चीज़ का, इनकम का, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडियन विलेजेस। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फिशिंग। फिशिंग हैज़ अ बीन अनदर इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल, ये एक और क्या है, एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। क्यों, क्योंकि जो कंट्री है वो ज़्यादातर कोस्ट लाइन एरिया पर भी रहती, कोस्ट लाइन एरिया जहाँ पर नदी वगैरह हों। द रिवर एंड सीज फ्लोइंग अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ द इंडिया आर होम ऑफ अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फिशेज। ओके, देयर फॉर फिशिंग हैज़ अ मेजर सोर्स, तो फिशिंग जो है वो किसका मेजर सोर्स है, फिशिंग जो है एक मेजर सोर्स है किस चीज़ का, इनकम का, फॉर सेवरल सेंचुरीज, स्पेशली फॉर पीपल लिविंग इन द विलेजेस। किसके लिए, जो पीपल विलेजेस में लीव करते हैं, रहते हैं,
ठीक है। कौन कौन से विलेजेस में साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे कि केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और एक्सेट्रा और अलग, ठीक है। हैंडक्राफ्ट की बात करेंगे अब हम। हैंडक्राफ्ट, सिंस एशियन टाइम्स हैंडक्राफ्ट हैज़ बीन इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन इंडियन विलेजेस। एशियन टाइम से ही जो हैंडीक्राफ्ट का काम है वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है इंडियन विलेजेस के लिए। मैनी इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स आर वेरी पॉपुलर, जो इंडियन क्राफ्ट्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं और डिमांड में हैं, ठीक है। कहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और रूरल एरियाज़ में पीपल के लिए क्या है, ये एक जीवन जीने का तरीका बन चुका है। वुड क्राफ्ट, पॉटरी, मेटल क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, एवरी क्राफ्ट, कॉम क्राफ्ट, ग्लास, पेपर क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, डेइंग, ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं ये क्या है, सम इंडियन हैंडक्राफ्ट आइटम्स हैं, कुछ हैं, ये सारे के सारे नहीं हैं। ओके, अब हम बात करेंगे वीविंग की। वीविंग क्या है, ये एक फेमस कटेज इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। वीविंग क्या होता है, बुनाई का काम, ठीक है, जो किससे की जाती है, हैंड वुवन, मतलब हाथों के द्वारा की जाती है, और ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस होती है। मोस्ट इंडियन स्टेट आर नोन फॉर देयर फैशन, इस फैशन के लिए कुछ स्टेट को क्या है, कुछ स्टेट्स को फैशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जहाँ पर वीविंग का जो प्रोसेस है या फिर जो कार्य है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ओके, द ट्रेडिशनल प्रिंट, जो ट्रेडिशनल प्रिंट और डिज़ाइन होते हैं वो फैशन के वर्ल्ड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो उनकी ब्यूटी है, जो उनके ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं, वो हमेशा फैसिनेटिंग यानी हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर ही रहते हैं, सबको वही ज़्यादातर क्या आते हैं, पसंद आते हैं। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ वीविंग इन इंडिया इंक्लूड कॉटन फैब्रिक, पटोला वीविंग, इक्कत फैब्रिक, फुलकारी, कारपेट वीविंग, एम्ब्रॉयडरी, सन गैरी प्रिंट्स, चिंदीदुरीज, बातिक साड़ीज, हिमरो, हैंड ब्लॉक प्रिंट्स, ये क्या हैं, पॉपुलर टाइप हैं वीविंग के। ओके, मींस एम्ब्रॉयडरी को या प्रिंट हो, इनको भी हम किसके अंदर मानते हैं, वीविंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। डिफरेंट रीजंस, स्पेशल वीव्स विच आर ट्रेडिशनली मेड फॉर डेली और डेकोरेटिव पर्पस, कुछ जो रीजंस हैं जहाँ पर स्पेशल वीविंग की जाती है, वहाँ पर डेली यूजेस के लिए या डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी क्या किया जाता है, वीविंग की जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो जैसे सिल्क और कॉटन के हैंडलूम्स, नायरन पट, पोचमपली, विकंटर सिल्क एंड कॉटन हैंडलूम्स, जो कि कहाँ का है, कॉटन हैंडलूम्स आंध्र प्रदेश का, पटोला कहाँ का है, गुजरात का, बनारसी साड़ी यूपी की, इसी तरीके से और भी होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये जो ऑक्यूपेशंस हैं ये किसको रिफ्लेक्ट करती है, सोशो इकोनॉमिक कल्चर को, जो कि ग्लोबल और मार्केट के लिए क्या है, अच्छा साबित होता है, ठीक है। ये ऑक्यूपेशन जो है इकोनॉमिक कल्चर को बढ़ावा देता है या उसके बेस को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम आगे देखेंगे इंडियन कजीन। इंडियन कजीन इन एडिशन टू ट्रेडिशनल व्यूज, एम्ब्रॉयडरी, विजुअल आर्ट्स एंड ईच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ टिपिकल स्पाइसी टंग टिंगलिंग कजीन। मींस अगर हम एम्ब्रॉयडरी या विजुअल आर्ट्स के बाद देखें तो जो इंडिया के हर रीजन में क्या है, स्पाइसी, जो टंग टिकलिंग है, स्पाइसी, एक चटपटा सा अंदाज है, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसी की
वास्ट वैरायटी के होते हुए जो फूड कुक्ड किए जाते हैं वो चार स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस के साथ किए जाते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन कजीन हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। जो इंडियन कजीन है ट्रेडिशन के हिसाब से वो क्या है जीने का या अपने लाइफस्टाइल को गुजारने का क्या है, एक मेजर सोर्स है जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, स्ट्रीट फूड से स्टार्ट होता है और स्पेशली रेस्टोरेंट्स तक जाता है, फाइव स्टार रेस्टोरेंट होटल्स तक जाता है। ट्रेडिशनल फूड एंड स्पाइसेस मिक्सेस मसालास करीज ये क्या है, ये दूसरे देशों में वर्ल्ड के अंदर क्या रहते हैं, डिमांड में रहते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे विजुअल आर्ट की। विजुअल आर्ट को हम कैसे कैसे देख सकते हैं, लाइक आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पेंटिंग। ये जो आर्ट और आर्टिशन होते हैं ये क्या दो कैटेगरीज को, पैटर्न्स की दो कैटेगरीज में क्या है ये सपोर्ट करते हैं, जैसे लार्जर हिंदू टेंपल्स और प्रिंसली रूरल्स ऑफ वेरियस स्टेट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, डिस्टिंक्टिव रीजनल स्टेट्स जो आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं और रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, मींस अगर कोई आर्किटेक्चर है, अगर किसी का ऑक्यूपेशन आर्किटेक्चर है तो वो रिलीजन के हिसाब से भी आर्किटेक्ट करेगा किसी बिल्डिंग को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये उसके क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती है रीजन जो रीजनल स्टाइल जो है वो आर्किटेक्चर को इफेक्ट करता है रिलीजन से, लाइक कैसे कैसे इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी और हिंदुनिज्म। इन द वैरायटी ऑफ स्कल्पचर इमेजेस स्किलफुली कोड इन स्टोन। जो स्कल्पचर होते हैं उसमें जो इमेजेस हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, स्टोन्स पर खुरेद के कर्व करके और ब्रॉन्ज और सिल्वर पे, या फिर मॉडल बनाए जाते हैं टेराकोटा पे, वुड पे, और कलरफुल जो है इनको पेंट किया जाता है। द गवर्नमेंट एंड सेवरल एनजीओज आर नाउ प्रोवाइडिंग ऑक्यूपेशनल एवेंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू एंटरप्रेन्योरशिप फॉर प्रीसर्विंग एंड प्रमोटिंग दीज आर्ट। जो गवर्नमेंट है या जो एनजीओज हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो इन ऑक्यूपेशंस को बढ़ावा देते हैं, कौन से, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर को, ताकि जो आर्ट है वो बढ़े, वो उसको प्रमोट करते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे हैंडीक्राफ्ट और इंडिजियस जो आर्ट है उनमें क्या क्या चैलेंजेस आए। ये वर्क एज और जेंडर, ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वीडियो आपका पार्ट वन रहेगी और जो वर्क एज और जेंडर है वहाँ से हम पार्ट टू स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर के हम सिर्फ दो ही पार्ट बनाएंगे, ये पार्ट वन होगा और नेक्स्ट पार्ट टू। ओके, चैलेंजेस एंड कंसंट्रेट्स थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। जो हैंडीक्राफ्ट करते हैं या जो इंडिजियस आर्ट करते हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो हम देखेंगे। दीज आर मैनी कॉन्स्ट्रेट एंड चैलेंजिंग दैट इंडिकेट एन अर्जेंट नीड फॉर रिवाइवल एंड सस्टेन ऑफ इंडिजियस नॉलेज स्किल्स विच आर फास्ट लूजिंग ग्राउंड एंड पॉपुलरिटी लीविंग द आर्टिशन विद पुअर सोर्स ऑफ इनकम। जो चैलेंजेस आए वो क्या थी, जो जिनके अंदर स्किल्स हैं इस टाइप की उनको ढूंढना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है घटती जा रही थी, कम होती जा रही थी। जो आर्टिशंस हैं जिनको ये नॉलेज थी इस टाइप की, जो ये आर्ट है इनकी,
वो क्या है, इस काम को छोड़ते जा रहे थे। वो क्यों छोड़ते जा रहे थे? क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत कम हो गया था, ठीक है। उसके कारण क्या है? पहला, मास प्रोड्यूस्ड गुड्स विच आर चीपर, जो सामान बनाया जा रहा था कंपनियों के द्वारा वो क्या था, बहुत सस्ता था। और जो इनका सामान था वो क्या था, महंगा था। महंगा क्यों था? क्योंकि हैंड वर्क था, टाइम ज़्यादा लगता था और मेहनत ज़्यादा थी, इसलिए वो जो काम करते थे हैंड, जो हैंड क्राफ्ट काम होता था वो महंगा होता था देन दीज गुड्स, ओके। इसीलिए उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम होता गया और ये काम छोड़ते चले गए, ठीक है। डिक्रीजिंग एस्थेटिक अप्रिशिएशन ऑफ फाइन आर्ट, जो फाइन आर्ट वर्क है उसकी जो बढ़ावा देने की शक्ति या फिर क्षमता है, या जो दूसरे लोग जो उनके सामान को खरीदते थे वो खरीदना कम हो गए और उनकी अच्छाइयाँ भी कम दिखने लगी लोगों को, ठीक है। इलिटरेसी, जनरल सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो लोग थे वो क्या होते गए, इलिटरेसी बढ़ती गई, मींस बैकवर्डनेस यानी कि गरीबी बढ़ती गई, या कहें कि इलिटरेसी मींस जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वो जो रेट है वो बढ़ता चला गया। स्लो प्रोग्रेस होती गई, मींस जो लैंड रिफॉर्म्स हैं या जो इनकी खेती बाड़ी है उनका काम भी कम होता चला गया, तो इसीलिए इनकी प्रोग्रेस भी कम होती गई। इन्हें जो है क्या नहीं था, फाइनेंस और मार्केटिंग सर्विसेज नहीं करनी आती थी कि अपने सामान को कैसे बेचें, कैसे मार्केट के अंदर उस सर्विस को प्रोवाइड करें, ठीक है। एरियाज जहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत होते हैं, पहला डिज़ाइन इनोवेशंस, ठीक है। इनोवेशंस मींस जहाँ पर इनोवेट किए जाते हैं, न्यू आइडियाज़ वहाँ पर जाना चाहिए। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स, इको फ्रेंडली जो वातावरण के साथ मेल खाते हों, जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित ना करते हों, या फिर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी जाएं। और जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, और स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी मटेरियल को बेच रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग बेस्ट होनी चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो, और ट्रेडिशनल नॉलेज को कंजर्व करना चाहिए, उसे ख़राब नहीं जाने देना चाहिए। तो इसीलिए इन एरियाज़ का होना ज़रूरी है किसी भी ट्रेडिशन को, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो करने के लिए या उसे कंजर्व करने के लिए, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उसको हेल्प हो, ओके। थैंक यू फॉर टुडे गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर इज़ वर्क लाइवलीहुड एंड करियर, दिस इज़ योर पार्ट वन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, मींस पार्ट टू को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँगी। और आगे जो आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपको हेल्प करेंगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो स्टे ट्यून्स। थैंक यू फॉर टुडे गाइज़।